एक क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण पर मानसिक वृत्ति के प्रभाव का वर्णन करें। आइए और देखते हैं, प्रत्यक्षण पर मानसिक वृत्ति के प्रभाव। प्रत्यक्षण पर प्रत्यक्षणकर्ता के मानसिक वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक वृत्ति से तात्पर्य एक विशेष तरह की मानसिक तत्परता से होती है। प्रायोज्यों में विशेष शाब्दिक निर्देश देकर मानसिक तत्परता उत्पन्न की जाती है, फिर गत अनुभूतियों से उत्पन्न प्रत्याशाओं से प्रायोज्यों में वृत्ति उत्पन्न हो सकता है। कई ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिसमें शाब्दिक निर्देश देकर प्रायोज्यों में एक तरह की मानसिक वृत्ति उत्पन्न की गई है और उससे प्रत्यक्षण सीधे प्रभावित होता पाया गया है। एस्ट्रेट ने सीधे एक अध्ययन किया, उसमें प्रायोज्यों को कुछ अस्पष्ट तस्वीर दिखलाया। एक ऐसे ही अस्पष्ट तस्वीर को चित्र में दिखाया गया। प्रायोज्यों को जब यह निर्देश दिया गया कि चित्र में कुछ ऐसा दृश्य है जिसे वह घुड़दौड़ में देखे होंगे, तो उनमें एक विशेष मानसिक वृत्ति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अस्पष्ट रूप से एक अस्पष्ट तस्वीर अर्थात घोड़े पर सवार एक व्यक्ति के रूप में मानसिक प्रत्यक्षण कर सकने में सफल हुए। बोरिंग तथा साहू की आकृति के सहारे एक प्रयोग करके मानसिक वृत्ति प्रत्यक्षण में पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में प्रायोज्यों के 3 समूह थे। पहला समूह नियंत्रित समूह था तथा दूसरा प्रयोगात्मक समूह था। पहले समूह को सास बहु आकृति को दिखलाया गया था तथा उसका वर्णन करने के लिए कहा गया, अर्थात दूसरे अर्थात पहले प्रयोगात्मक समूह को सास बहु आकृति दिखाने से पहले शाब्दिक रूप में सास बहु की आकृति के बारे में बतला दिया जाता था। इस समूह के आधे प्रायोज्यों से यह कहा गया कि इनमें एक वृद्धा की तस्वीर दिखाई देगी, बाकी आधे प्रायोज्यों से वह एक युवती की तस्वीर दिखाई देगी। दूसरे प्रयोगात्मक समूह को सास बहू की आकृति दिखाने से पहले एक वृद्धा का तथा एक युवती का अलग अलग चित्र दिखलाकर निर्देश दिया गया। प्रयोग में परिणाम में पाया गया कि नियंत्रित समूह के करीब करीब 65% प्रायोज्यों ने मिश्रित सास बहू की आकृति में युवती के चित्र को देखा था, जिससे प्रयोगात्मक समूह से शाब्दिक रूप से निर्देशित होने पर निर्देश अगर मानसिक वृत्ति उत्पन्न की गई थी। इसमें युवती की तस्वीर होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने अधिकतर समय में युवती का तस्वीर देखा था। वृद्धा की तस्वीर होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने अधिकतर समय वृद्धा की तस्वीर को देखा। तीसरे प्रयोग समूह जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रूप से निर्देश दिया गया था, में से कुछ ने युवती की तस्वीर का प्रत्यक्षण किया, कुछ ने वृद्धा की तस्वीर का प्रत्यक्षण किया। उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षण पर व्यक्ति के मानसिक वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग भी किए गए हैं जिसमें प्रत्यक्षण वृत्ति का प्रभाव का ज्ञान होता है। एक प्रयोग कराईमाल होगन वाल्टर द्वारा तथा दूसरा प्रयोग सुपोला द्वारा किया गया। होगन तथा वाल्टर के प्रयोग में प्रयोग ने 6 अर्थहीन शब्द 100 मिलीसेकंड के लिए दिखलाया गया। कुछ ऐसे शब्द थे जो अर्थपूर्ण शब्द से मिलते जुलते थे परंतु वे अर्थहीन थे, जैसे एक ही व्यक्ति DSCK जो DUCK या DECK के काफ़ी समान था। इस तरह के 6 अर्थहीन शब्द तैयार किए गए। प्रायोज्यों को इन शब्दों को देखकर इसकी पहचान करना था तथा उसे बोलकर बतलाना होता था कि कुछ प्रायोज्यों से कहा गया कि पक्षियों या पशुओं से संबंधित उन्हें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे तथा कुछ प्रायोज्यों से कहा गया कि उन्हें यातायात तथा यात्रा से संबंधित कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। परिणाम में देखा गया जिन प्रयोगों को यह कहा गया था कि उन्हें पशु या पक्षी से संबंधित शब्द देखने को मिलेंगे, 63% प्रयासों में ऐसे ही शब्दों का प्रत्यक्षण किया। जिन्हें यह कहा गया था कि यातायात तथा यात्रा से संबंधित शब्द देखने को मिलेंगे, 74% प्रयासों में ऐसे ही शब्दों का प्रत्यक्षण किया। इसका परिणाम के कारण यह था कि शाब्दिक निर्देश से प्रायोज्य में खास तरह की मानसिक वृत्ति उत्पन्न हो गई, जिस कारण वो इससे संबंधित शब्दों का प्रत्यक्षण कर सके। उपयुक्त तत्वों के आलोक में ऑलबर्ट ने कुछ शब्दों में अंतिम निष्कर्ष दिया है।
अन्य बातें समान होने पर वृत्ति दैहिक रूप से यह निर्धारित करता है कि किन वस्तुओं का प्रत्यक्षण होता है, उनके प्रत्यक्षण की तत्परता या गति क्या होगी, तथा सुरक्षित वस्तुओं की एक सीमा के भीतर अंतर वस्तु तथा अस्पष्टता क्या होगी।